भाइयों बहनों, माफियाओं की कथाएं तो बहुत सुनी हैं और कर्नाटक में हर इलाके में माफियाओं की बिरादरी चली है, लेकिन अब एक नया खेल सैंड माफिया, उडुपी वाले बराबर जान जाते हैं, हाईकोर्ट को, कर्नाटका की हाईकोर्ट को कठोर टिप्पणी करनी पड़ी सरकार के खिलाफ। और गरीब आदमी को घर बनाना हो, दो बोरे बालू चाहिए तो उसको ब्लैक में लाने के लिए मजबूरी करें, यहां तक इस सैंड माफियाओं ने अपने हाथ पर पथा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये सैंड माफियाओं के पीछे सत्ता में बैठे हुए लोगों का सहारा है कि नहीं है, उनके आशीर्वाद है कि नहीं? अरे जो आपकी बालू भी लूट जाते हैं वो आपका कुछ बचने देंगे क्या? ये लूट करने की सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हमेशा हमेशा के कर्नाटक को ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपको आग्रह करने आया हूं, कैसी सरकार जो माफियाओं को पालती है, कानून व्यवस्था को पी जाने की आदत रखने वाले लोग मुखिया बन के बैठे हो, तो भाइयों बहनों, कर्नाटक की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। यही एक मौका है कर्नाटक को बचाने का।